हेलो स्टूडेंट्स मैं आँचल आप जैन आपकी कंप्यूटर टीचर आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक एट का चैप्टर सेवन इमेजेस लिंक्स एंड फ्रेम्स इन एचटीएमएल इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे किस तरीके से हम अपने एचटीएमएल के अंदर इमेजेस को इंसर्ट करते हैं लिंक्स को क्रिएट करते हैं और किस तरीके से हम इसके अंदर क्या करते हैं फ्रेम्स को क्रिएट करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेवन चैप्टर सेवन इमेजेस लिंक्स एंड फ्रेम्स इन एचटीएमएल आइए सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू स्टेशन देख लेते हैं इसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स हैं उनको हम वन बाय वन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे इंसर्टिंग इमेजेस इन एस टी एम एल लिंकिंग वेब पेजेस एडिंग ऑडियो इन एस टी एम एल एडिंग वीडियो इन एस टी एम एल फ्रेम्स इन एस टी एम एल क्रियटिंग फॉर्म्स इन एस टी एम एल आई हम सबसे पहले इसका वार्म अप स्टेशन देख लेते हैं आंसर द क्वेश्चन हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है जिनका हमें आंसर गिवन करना है अ फाइल दैट इज रिटन इन एस टी एम एल माइट है देखिए जो वेब पेज के जो दो नाम हो सकते हैं वो हम देखते हैं यहां पे क्या हो सकता है हमारे सबसे पहले हो सकता है हमारा वेब पेज नेक्स्ट हो सकता है हमारा डॉक्यूमेंट नेक्स्ट देखते हैं हम वॉट एस टी एम एल टैग मस्ट बी यूज टू स्टार्ट एंड एंड ऑफ एस टी एम एल डॉक्यूमेंट कौन सा टैग होता है जो एस टी एम एल को स्टार्ट करने के लिए और एंड करने के लिए काम आता है वो था हमारा एस टी एम एल टैग वेब पेज क्रिएटेड एस टी एम एल इज यूज कॉल्ड एंड एंड ऑफ दीज सेक्शन देखिए जो हमारा सबसे पहले दो सेक्शन होते हैं, हमारे हेड और बॉडी हमारे सेक्शन वन होता है स्टार्टिंग टैग होता है हमारा हेड नेक्स्ट होता है इन द वर्ल्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट क्रिएटिंग एंगेजिंग एंड इंट्रेक्टिव वेब पेजेस एज एसेंशियल देखिए आज के टाइम में वेब डेवलपमेंट के अंदर हमारा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो गया जो इंट्रैक्टिव वेब पेजेस जो हो गए वो हमारे एसेंशियल हो गए एंगेज करने के लिए किसी को भी वेबसाइट्स के अंदर This chapter explores various elements in HTML that enable you to enhance your web pages with images, links, audio, video, frames, and forms. These elements play a pivotal role in creating dynamic and user friendly web contents. इस एच पे इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे और अट्रैक्टिव अच्छी तरह बना सके जैसे हम इसके अंदर किस तरीके से इमेजेस को लिंक्स को ऑडियो को वीडियो को फॉर्म्स को फ्रेम्स को इसके अंदर इंसर्ट कर सके चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कंटेंट्स के बारे में किस तरह से इनको हम एलिमेंट्स को अपने वेब पेजेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इंसर्टिंग इमेजेस इन एस टी एम एल सबसे पहले हम देखेंगे इमेजेस को किस तरीके से हम एस टी एम एल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं इमेजेस आर अ फंडामेंटल कॉम्पोनेट ऑफ वेब डिजाइन एडिंग विजुअल अपील एंड कॉन्टेक्स टू योर कंटेंट देखिये जो इमेजेस होते हैं वो हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट्स होता है किसी भी वेब पेज को डिजाइन करने के उसके अंदर विजुअल अपीलिंग करने का हम उसके अंदर किस तरीके से घेर सकते हैं सबसे उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा किस तरीके से हम अपने वेब पेज के अंदर इमेजेस को इंसर्ट कर सकें एस टी एम एलाउ यू टू एम्बेड इमेजेसिंग डाउन ऑफ की कॉन्सेप्ट देखिये एस टी एम एल हमें क्या करता है बहुत सारे हमारे इसको हम किस करते आई एम जी टैग को यूज करके इसको कर सकते हैं उसको हम देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं एड द आई एम जी टैग दिस टैग इज यूज टू इंसर्ट इमेजेस इन टू द एस टी एम एल टैग डॉक्यूमेंट जो ही हमारा टैग होता है हम अपने डॉक्यूमेंट को इस टैग को यूज करके क्या कर सकते हैं इसके अंदर इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं एट्रीब्यूट की बात करते हैं You can specify attribute like src, source, alt, alternate text, width, height, and more to control the images.

सेट्स द बॉर्डर थिकनेस अराउंड द इमेज ये हमारी जो इमेजेस है उसके जो ब्रॉडर है उसको क्या उसकी थिकनेस को कंट्रोल करने के लिए काम आता है इसका हम देख लेते हैं किस तरीके से करता है आई एम जी एस आर सी एम आई एम जी डॉट जे पी जी और डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज विथ इक्वल टू थ्री हंड्रेड हाइट टू हंड्रेड जैसे हमने दिया यहाँ पे हमने अगर हमने क्या हमने किस इमेज को इंसर्ट करना हमने इमेज डॉट जी के नाम से कर ऑल्ट का मतलब अगर ये इमेज हमारी डिस्प्ले नहीं होती तो उसका ऑल्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज यहाँ पे लिखा आ जाएगा उसकी जो हमारी विथ्थ होगी वो थ्री होगी जो हमारी हाइट होगी उसकी क्या होगी टू टू इंसर्ट एन इमेज इन एस टीम एल यू यूज द इमेज टैग हेयर इज एन एग्जाम्पल इसका यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं हम हमने यहाँ पे लिया डॉक्यूमेंट दिया एसटीमल हेड टाइटल दिया हमने उसको

लिंकिंग वेब पेजेस हम वेब पेजेस को किस तरीके से लिंक कर सकते हैं so, होते है, वो होते है, किसी वेब पेज को नेविगेट करने के लिए जो सीमलेसली हम क्या कर सकते हैं प्रोजेक्स के अंदर रिसोर्सेज के अंदर उसको लिंक कर सकते हैं एस टी एम एल पावरफुल टूल फॉर क्रिएटिंग हाइपर लिंक्स जो एस टी एम एल होती है वो हमारे पावरफुल प्रोवाइड करते हैं हाइपर लिंक्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं द ए टैग

एडिशनली द द टारगेट एट्रीब्यूट हाउ पेज ओपन इन अ न्यू विंडो और टैब ये क्या कर सकता है हमारे बताता है किस तरीके से अपने लिंक वेब पे, पेजेस को इसके अंदर ओपन कर सकते हैं न्यू विंडोज और टैब के अंदर इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ए एच आर एफ एस टी पी एस डब्लू डब्ल्यू एग्जाम्पल डॉट कॉम डॉट टार्क गेट इक्वल टू ब्लैक विजिट एग्जाम्पल वेबसाइट ए जैसे हमें इसको अटैच करने के लिए हमारा इसका होता है टार्गेट होता है सोर्स ए से हमने इसको करा एच आर पी लिखा और जिसे हमें लिंक करना उसका हमने यहाँ पे एड्रेस गिव करा आई देख हम टाइप्स ऑफ फाइबर लिंक की बात करते हैं एस टी एम एलाउव फॉर टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ फाइबर लिंक एस टी एम एल जो होता है हमें टू टाइप्स के हाइपर लिंक प्रोवाइड करता है सबसे फर्स्ट वन है हमारा इंटरलिंकिंग लिंक्स टू द सेक्शन विद इन द सेम पेज यूजफुल फॉर लॉन्ग कंटेंट विद नेविगेशन मैन्यू ये हमें क्या करता है जब हमें क्या करना है इंटरलिंक करना है हमारा बहुत लंबा पेजिस है हमें एक जगह से दूसरी जगह पे करना है तो हम इसको क्या कर लेते हैं इंटरलिंकिंग कर लेते हैं नेक्स्ट क्या होता है हमारा इंट्रॉलिंकिंग लिंक्स टू अदर पेजेस विद इन द सेम वेबसाइट और एक्सटर्नल वेबसाइट ये हमारा क्या कहता है था एक वेब पेज एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं हमारे एक वेब पेजेस से हमें दूसरे वेब पेज पे लिंक करने के लिए भी काम आता है एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट के पेज को लिंक करने के लिए भी इंट्रॉलिंक हमारा काम आता है इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट एस टी एम एस टी एम एल है टाइटल टारगेट दिया हमने एग्जाम्पल वेबसाइट का दिया इस तरह से हमने इसको लिंक करके करा और उसके बाद जब हमने इसकी अकॉर्डिंग करी इसका आउटपुट हमारा इस तरीके से आएगा अब आप इन पे जिसपे भी क्लिक करेंगे वो वेबसाइट आपकी खुल जाएगी आपने सबसे पहली वेबसाइट पे क्लिक करा तो आपकी ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी एग्जाम्पल डोमेन की आपने आई एस दौर वेबसाइट से क्लिक करा वो आपकी यहाँ पर खुल जाए हमने यहाँ पे आपके दोनों लिंक क्रिएट कर लिया नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसका प्रैक्टिस स्टेशन देख लेते हैं हाइपर लिंक्स कैन आल्सो लिंक टू स्पेसिफिक सेक्शंस विद इन द सेम पेज यूजिंग द एचआरएफ एटीट्रिब्यूट विद इन एंकर देखिए हाइपरलिंक क्या करता है लिंक करता है मा स्पेसिफिक सेक्शन को विद इन द सेम पेज यूजिंग द एचआरएफ एटीट्रिब्यूट के साथ उसका एंकर होता है हैश देखते हैं हम एडिंग ऑडियो इन एस टी एम एल अब एस टी एम एल के अंदर हम ऑडियो किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं ऑडियो एलिमेंट्स इन रिच वेब कंटेंट इन कॉपरेटिंग एस टी एम एल फाइव इंट्रोड्यूस दैग टू फॉर सीमलेस ऑडियो इंटीग्रेशन देखिए ऑडियो एलिमेंट क्या होता है जब भी हम किसी भी अपनी वेब पेज पे कोई इनको उससे रिलेटेड साउंड एड करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं ऑडियो टैग के थ्रू तो हम उसको यूज कर सकते हैं उसको एड कर सकते हैं इसका टैग होता है ऑडियो इसके देख लेते हैं इसके इंटीग्रेशन द ऑडियो टैग दिस टैग अलाउ यू टू एम्बेड ऑडियो फाइल इन वेरियस फॉर्मेट ये जो टैग होता है ये अलाउ करता है हम किसी भी फॉर्मेट में अपनी ऑडियो को अपने वेब पेजेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं की एट्रीब्यूट इंक्लूड एस आर सी सोर्स कंट्रोल टू प्रोवाइड प्ले बैक कंट्रोल एंड ऑटो प्ले टू ऑटो प्ले द वीडियो जो ये हमारा एक्टिव भी होता होता है हमारा क्या होता है इसके थ्रू तो हम क्या कर सकते हैं सोर्स कर सकते हैं कंट्रोल प्रोवाइड कर सकते हैं किस तरह से तो ऑटो प्ले करवा सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं ऑडियो एस आर सी ऑडियो डॉट एम पी थ्री कंट्रोल ऑटो प्ले योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द ऑडियो एलिमेंट अगर हमारे क्या होता है ऑडियो हमने करा एम पी थ्रे करोल करा ऑटो प्ले करा, करा हमने यहाँ पे कर दिया ऑडियो कर दिया टू एड ऑडियो टू एन एस टी एम एल पे यूज द ऑडियो टैग इज एन एग्जाम्पल यहाँ पे ऑडियो को एड करने का हम एक बार यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं हमने जैसे यहाँ पे टैग दिया ऑडियो एस आर सी म्यूजिक एमपी थ्री कंट्रोल ऑटो प्ले हमने करा यहाँ पे योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द ऑडियो एलिमेंट यहाँ पे हमने इस तरह से करा तो हम देखेंगे हमारा जो ऑडियो वो इस तरीके से हमारे सामने खुलकर आ आज

द वीडियो टैग दिस डैग अलाउ यू टू एम्बेड वीडियो फाइल इन डिफरेंट फॉर्मेट्स ये टैग हमें अलाउ करता है हम डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मेट की इसके अंदर क्या कर सकते हैं वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स इंक्लूड एस आर सी सी आर कंट्रोल टू ऑफर वीडियो कंट्रोल्स एंड ऑटो प्ले फॉर ऑटोमेटिक प्लेबैक ये क्या करता है एट्रीब्यूट हमें प्रोवाइड करता है हम इसके अंदर किस तरीके से सोर्सेज को कंट्रोल्स को इसके अंदर एड चेंज कर सकते हैं ऑटो प्ले कर सकते हैं इसके सारे एट्रीब्यूट्स हम इसके अंदर सेट कर सकते हैं इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं वीडियो एसआरसी वीडियो एम पी जी कंट्रोल ऑटो प्ले हमने यहाँ पे इस वीडियो को इंसर्ट किया योर ब्राउजर ड नॉट सपोर्ट वीडियो कंटेंट वीडियो एलिमेंट वीडियो दी हमने टू एड वीडियो टू एन एस टी एम एल पेज यूज यूज द वीडियो टेक हेयर एन एग्जाम्पल हम इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं जो भी हमें यहाँ पे देना था हमने यहाँ पे इसको दिया तो हम देखेंगे तो हमारी जो भी वीडियो को हमने यहाँ पे उसको साइज दिया था जैसे हमने वीडियो एम डॉट एम पी पी और इसका रेफरेंस दिया तो हम इसको रन करेंगे तो हमारी ये वीडियो हमारे स्क्रीन पर रन हो जाएगी हम देखते हैं फ्रेम्स इन एस टी के अंदर फ्रेम्स किस तरीके से बनाते हैं अभी तक हमने ऑडियो देखा वीडियो देखा लिंक कैसे क्रिएट करते हैं अब देखेंगे हम फ्रेम्स किस तरीके से बनाते हैं फ्रेम्स अलाउ यू टू तो डिवाइड अ वेब पेज इंटू मल्टीपल सेक्शन इच डिस्प्लेइंग सेपरेट एस टी एम एल डॉक्यूमेंट्स देखिए जो फ्रेम होता है वो हमारे वेब पेज को डिवाइड करने के लिए काम आता है मल्टीपल सेक्शंस में और जो हर जो एस टी एम एल डॉक्यूमेंट होता है उसको सेपरेट करने के लिए भी काम आता है

चलिए इसके आज के टाइम में जो एक कॉमन इसके यूजेस हैं जिनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम यहाँ पे वन बाय वन देख लेते हैं द फ्रेम सेट टैग दिस टैग डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रेम्स ऑन अ वेब पेज अगर हमें वेब पेज के अंदर फ्रेम सेट को बनाना है तो उसका टैग होता है हमारा फ्रेम सेट टैग होता है हमारा फ्रेम होता है टैग दिस टैग डिफाइन इंडिविजुअल फ्रेम विद इन द फ्रेम सेट जो फ्रेम सेट के अंदर इंडिविजुअल हमें फ्रेम बनाना है उसके लिए हमारा टैग होता है डॉट पी फ्रेम होता है एट्रीब्यूट्स की बात करें फ्रेम टैक्स कैन द कंटेंट टू बी डिस्प्लेड एंड द नेम ऑफ द टारगेट फ्रेम्स। इसके अंदर भी हमारे क्या होता है एट्रीब्यूट्स होता है हमें ऐसे आर्टी इसके अंदर किस तरीके से ऐड करना है कौन सा सोर्स लेना है क्या नाम देना है वो हम इस सभी इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इस तरह से फ्रेम सेट कॉलम्स ट्वेंटी फाइव हमारा जो फ्रेम सेट है वो इतना ट्वेंटी फाइव परसेंट सेवेंटी फाइव का बनेगा उसका जो फर्स्ट फ्रेम है उसके अंदर हमारा मैन्यू एस टी एम एल नेम मैन्यू हमारा खुलेगा सेकेंड फ्रेम के अंदर हमारा कंटेंट डॉट एस टी एम एल नेम कंटेंट खुलेगा और फ्रेम सेट टेक को हम ऐसे एंड कर दे फैक्ट स्टेशन देख लेते हैं सपोर्टेड वीडियो फॉर्मेट्स इंक्लूड एम पी पी एम पी फोर एम एंड ओजीजी। इसकी जो वीडियो होती है जो इसके अंदर सपोर्ट करती है वो होती है हमारी एम पी फोर वैब एम एंड ओ जी आई नेक्स्ट देखते हैं फ्रेम्स आर क्रिएटेड यूजिंग द फ्रेम सेट एंड फ्रेम स्टेक हेर एन एग्जाम्पल यहाँ पे उसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं सबसे पहले हमने इसका प्रोग्राम दिया देन आउटपुट देखा हमने यहाँ पे इसका दिया एस टी एम एल हैड टाइटल फ्रेम हमने इसका एग्जाम्पल दिया यहाँ पे हमने इसका फ्रेम सेट के अंदर ये सब इसकी कंटेंट जो भी हमें फ्रेम बना था सबसे पहले हमने मैन्यू इसका दिया देन में हमने कंटेंट दिया अब आप देखेंगे तो हमारा जो फ्रेम सेट था वो हमारा क्या बना ट्वेंटी का देखिए आप देखिए डिस्प्ले में का बन, रहा है, 75 का बन रहा, एक के अंदर हमारी कंटेंट आ रही है के, अंदर day, HTML. HTML के अंदर, को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं फॉर्म्स आर एसेंशियल फॉर कलेक्टिंग यूजर्स इनपुट एंड अ वेब पेज एस टी एम एल प्रोवाइड ऑफ फॉर्म्स एलिमेंट्स फॉर्म्स जो होता है हमारा क्या करता है इसके अंदर इनपुट करने के लिए इंट्रैक्शंस करने के लिए वेब पेजेस में काम आता है ये हमारे रेंजेस प्रोवाइड करता है इसके हम देखते हैं द फॉर्म टैग देखते हैं हम दिस टैग डिफाइंस अ फॉर्म ऑन अ वेब पेज ये जो वेब पेजेस के अंदर फॉर्म को बनाने के लिए काम आता है फॉर्म एलिमेंट्स की बात करते हैं वेरियस फॉर्म एलिमेंट्स इंक्लूड टेक्स्ट फील्ड चेक बॉक्स रेडियो बटन ड्रॉप डाउन मैन्यूज एंड टेक्स्ट एरिया हम इसके अंदर फॉर्म्स के एलिमेंट यूज कर सकते हैं जैसे हम चेक बॉक्स रेडियो बटन ड्रॉप डाउन मैन्यू सब इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स की काम बात करते हैं फॉर्म एलिमेंट्स हैव एट्रीब्यूट्स लाइक नेम टाइप वैल्यू एंड रिक्वायर्ड फॉर कस्टमाइजेशन एंड वैलिडेशन इसके अंदर हमारे जैसे फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं जस्ट लाइक दैट हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं वैल्यू नेम रिक्वायर्ड कस्टमाइजेशन वैलिडेशन सब लगा सकते हैं

फॉर्म के अंदर हम छोड़ी -छोड़ी के अंदर हम छोटे-छोटे इसके इनपुट बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं चेक बॉक्सेस लगा सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू लगा like form, जैसे हम भरते हैं पेपर के अंदर सेम इस तरीके का हम अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं सो बेसिकली फॉर्म सेंड डेटा टू अर्वर यूजिंग द एक्शन एट्रीब्यूट ऑन द अदर हैंड एट्रीब्यूट मैथड हेल्प अस टू स्पेसिफाई वेदर वी वॉन्ट टू पोस्ट डेटा टू अ डेटाबेस सर्वर और गेट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस सर्वर बेसिकली हमारा जो फॉर्म्स होता है वो सेंडर को भेजा जाता है कि भाई क्या इसके अंदर एक्शन होगा क्या एट्रीब्यूट हम इसके अंदर परफॉर्म करके भेज सकते हैं इसके ऊपर डिफरेंट मैथड कर सकते हैं उसके बाद हम इसको डेटाबेस सर्वर के ऊपर क्या कर सकते हैं पोस्ट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वैन यूज गूगल टू सर्च द फॉर्म मेक्स टू गेट रिक्वेस्ट इट विल प्योरली गेट डेटा बैक टू यूज द फॉर्म बेस सर्वर जैसे हमने कई बार किसी चीज का फॉर्म हमें फिल करना हम है हम रिक्वेस्ट वो हमारा फेम हमारे सामने खुलकर आता है उसके अंदर एंट्री करते हैं उसको पोस्ट करते हैं, हैं सेम इसी तरीके से हम इसके अंदर बना सकते हैं आइए हम इसके टैग देख लेते हैं द इनपुट टैग द इनपुट टैग क्रिएट्स द इंट्रेक्टिव कंट्रोल इट हेल्प अस टू स्पेसिफाई वॉट इज कलेक्टेड बाई अवर फॉर्म दिस इज द टैग गोइंग टू क्रिएट द डिफरेंट इनपुट दैट वी वॉन्ट इस इनपुट टैक्स के थ्रू तो हम क्या देना चाहते हैं उसको इनपुट देना चाहते हैं वो हम इनपुट के थ्रू तो इसके अंदर कर सकते हैं उसके टाइप एट्रीब्यूट द टाइप ऑफ इनपुट जो हमें किस टाइप का वो देना टाइप एट्रीब्यूट ये डिसाइड करता है द प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट हेल्प अस टू डिस्क्राइब ईच इनपुट फील्ड टू द यूजर जो प्लेस एट्रीब्यूट होता है वो हमारा क्या करता है ये डिवाइड करता है कि हम किस तरह का इनपुट इसे गेव इन करना चाहते हैं द नेम एट्रीब्यूट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई ईच फील्ड सो दैट वी कैन राइट अ स्क्रिप्ट टू कलेक्ट एंड प्रोसेस द डेटा जो नेम एट्रीब्यूट होता है हमारी मदद करता है किस तरीके से हम इसके अंदर स्क्रिप्ट के अंदर इसको कलेक्ट कर सकते हैं प्रोसेस कर सकते हैं आइए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एस टी एम एल हमने दिया इनपुट टाइप दिया टेक्स्ट हमने इनपुट टाइप दिया कलर इसका इनपुट टाइप डेट इनपुट टाइप फाइल इनपुट टाइप चेकबॉक्स एस टी एम एल इस तरीके से हम इसके डिफरेंट टाइप्स इस के क्या कर सकते हैं गिव इन कर सकते हैं आई लेबल्स देखते हैं हम लेबल्स इन फॉर्म्स labels help us add conditions to individual element in our form labels are really important in making our forms accessible especially for the visually, visually impaired or blind the screen readers software they will use will look for labels tags so that they can fill out the form लेबल जो होता है हमारा ऐड करने के लिए काम आता है कैप्शन को इंडिविजुअल एलिमेंट्स के अंदर फॉर्म के अंदर ये हमारा रियली इंपॉर्टेंट होता है जब हमें क्या करें फॉर्म को एक्सेसिबल बनाए स्पेशली विजुअल एम्पेयर एलाइंट्स के लिए जो इसके अंदर स्क्रीन रीडर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर इस तरह से हमारे लुक करते हैं लेबल टैग को कि हम उसको क्या कर सकते हैं इजिली फॉर्म को फिल कर सकते हैं आई हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं फॉर्म एक्शन सबमिट पी एस पी मैथड पोस्ट हमने करा लेबल फॉर यूजर नेम यूजर नेम लेबल करा इनपुट टाइप्स हमने टेक्स्ट हमें जो भी उसका नाम देना था यूजर नेम हमने इसको गिवन करा लेबल फॉर पासवर्ड पासवर्ड हमने उसको लेबल करा इनपुट टाइप पासवर्ड आई डी पासवर्ड नेम पासवर्ड हमने इसको रिक्वायर्ड करा, करा हमने इसको देन क्लोज करा बी आर टेक्स से इनपुट हमने टाइप सबमिट दिया वैल्यू सबमिट फॉर्म दिया एस्टिमल फॉर्म्स आर डिफाइंड यूजिंग द फॉर्म टैग ही इज इन एक्जाम्पल ऑफ सिंपल फॉर्म

द ऑटो can कैन बी एडिट टू ऑटोमेटिकली स्टार्ट ऑडियो प्ले बैक वैन loads. जो ऑटो प्ले एट्रीब्यूट होता है वो हमारे edit ही कर देता है, ऑटोमेटिकली हमारी वीडियो को स्टार्ट कर देता है जब हम को क्या करते लोड करते हैं आई हम इसका बैकअप स्टेशन देख लेते हैं जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है उसके यहाँ पे रिविजन कंटेंट से उनको एक बार देख लेते हैं द the इज यूज टू load.

फ्रेम्स आर क्रिएट यूजिंग द फ्रम सेट एंड फ्रेम्स टैक्स जो फ्रेम्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं हमारे क्या फ्रेम सेट टैक्स से फ्रेम टैक्स से फॉर्म्स आर क्रिएटेड यूजिंग द फॉर्म टैक्स जो हम फॉर्म्स को बनाते हैं फॉर्म टैक्स के थ्रू बनाते हैं इनपुट फील्ड लाइक टेस्ट बॉक्स एंड रेडियो बटन सारे एडिट यूजिंग वेरियस इनपुट एलिमेंट्स इनपुट टैक्स एरिया सेलेक्ट जो हम इसके अंदर इनपुट फील्ड करते हैं उसके हमारे कुछ एट्रीब्यूट हो जैसे हमारे इनपुट टैक्स एरिया सेलेक्ट है हमारे सारे क्या होते हैं इसके एट्रीब्यूट होते हैं आइए इसका हम एक बार एक्सरसाइज स्टेशन देख लेते हैं डार्कन द दा करेक्ट ऑप्शन इन द दार्कट यहाँ पे हमारे जो भी ऑप्शन है उसको हम डार्क करेंगे विच एस्टिमेट टैग इज यूज टू तो क्रिएट फ्रेम्स कौन सा टैग होता है जो हमारे फ्रेम क्रिएट करने के लिए काम आते हैं ऑप्शन है फ्रेम डिविजन टेबल सेक्शन वो हमारा टैग है ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर वो हमारा क्या है हमारा फ्रेम टैग होता है हम यहाँ पे इस पर टिक करेंगे वॉट डज द फ्रेम सेट टैग डिफाइंड जो फ्रेम सेट है वो क्या डिफाइन करता है सोर्स ऑफ अ फ्रेम कॉलम्स ऑफ फ्रेम दीडियो कंटेंट ऑनज द ऑडियो प्ले बैक्रोल्स वो क्या करता है ले आउट करने करता है फ्रेम का होता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इसमें वॉट डज द कंट्रोल एट्रीब्यूट डू इन द ऑडियो टैग जो कंट्रोल एट्रीब्यूट होता है वो ऑडियो टैग में हमारा क्या काम करता है ऑडियो प्ले बैक म्यूट द ऑडियो डिस्प्ले प्ले बैक्स कंट्रोल डिलीट द ऑडियो पाइल्स वो क्या करता है हमारा ऑप्शन करेक्ट आम डिस्प्ले प्ले बैक कंट्रोल्स वट इज द पर्पज ऑफ दीब इन द इमेज काम काम होता है इमेज विट प्रोवाइड इट स्पेसिफाइड इमेज सोर्स इट कंट्रोल्स इमेज अलाइनमेंट वो हमारा क्या करता है प्रोवाइड करता है ऑल्टरनेट टेक्स फॉर द इमेज यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखते हैं हम फिल करना है are using the, जो हाइपर लिंक होते हैं वो हमारे किस टैक्स से हमारे क्रिएट किए जाते हैं वो हमारे क्रिएट किए जाते हैं ए टैक्स से टू ओपन अन अ न्यू डॉट टैब और विंडो यूज टारगेट हम यहाँ पे यूज करेंगे टारगेट ब्लैंक द एसआरसी एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द ब्लैंक ऑफ द इमेज वो क्या करता है हमारा सोर्स करता है स्पेसिफाई नेक्स्ट देखते हैं द ऑल्ट एट्रीब्यूट प्रोवाइड ब्लैंक टेक्स्ट फॉर द इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट हमें प्रोवाइड करता है ऑल्टरनेट नेक्स्ट देखते हैं राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे हम टी लिखेंगे जो गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे द वीडियो टैग इज यूज टू इंसर्ट इमेजेस जो वीडियो टैग होता है हमारे इंसर्ट करने के लिए काम आता है इमेजेस यहाँ पे है का हमारा फॉल्स चलिए नेक्स्ट देखते हैं टू कंट्रोल द कंट्रोल एट्रीब्यूट इज यूज टू डिस्प्ले वीडियो प्लेबैक कंट्रोल्स ट्रू MP3 is video in HTML5 href href देना ही होता है, all. Students की जो है वो आप खुद करेंगे होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में होगा चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टिल देन है